जिला कांगड़ा में स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। फिलहाल जिला कांगड़ा में अभी तक स्क्रब टाइफस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी कड़ी में आज सिविल अस्पताल ज्वाली में BMO डॉक्टर मोहन चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें SMO ज्वाली डॉक्टर अमन दुआ व ब्लॉक के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। इस बैठक में BMO ने विभिन्न अस्पतालों की मासिक समीक्षा के उपरांत सभी चिकित्सकों को स्क्रब टाइफस बारे में एडवाइजरी जारी करते हुए विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि हर बुखार के रोगी को स्क्रब टाइफस की विशेष दवाई अन्य दवाइयों के साथ दें, और अगर किसी रोगी में स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखाई दे तो उसका तुरंत स्क्रब टाइफस का टेस्ट करवाएं। उन्होंने बताया कि हर साल अगस्त व सितंबर में स्क्रब टाइफस रोग फैलता है। यह घास में एक विशेष प्रकार के लार्वा से उत्पन्न मच्छर के काटने से होता है, इसलिए शरीर को ढककर रखें तथा नंगे पैर घास व जमीन पर ना चलें। दो महीने में अगस्त और सितंबर में स्क्रब टाइफस फैलता है और इसका टेस्ट सिर्फ टांडा में होता है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइंस आई हैं कि आप हर एक फीवर के केस को यदि वो 12 साल से बड़ा है तो डॉक्सीसाइक्लिन, और 12 साल से छोटा है और गर्भवती महिला है तो उनको एजिथ्रोमाइसिन जरूर ऐड करो। और आज की मीटिंग में अपने सभी डॉक्टरों को समझा भी दिया, सिर्फ आज कोटला वाले डॉक्टर को नहीं बता पाया तो मैंने सुपरवाइजर को बता दिया, एंड सभी इंस्टीट्यूशन में भी हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन दे रही फैलता है। अभी तक के इस कांगड़ा जी डिस्ट्रिक्ट में यदि टांडा में कोई पॉजिटिव आएगा तो एकदम वो फ्लैग हो जाता है केस कि आप घर जाके देखो, उनको समझाओ क्या करना। तो यहाँ का अभी तक इसमें बुखार ही आता है और बुखार के साथ साथ स्किन में थोड़े से छाले से पड़ जाते हैं, वो गहरे होते हैं, डीप उसका वो गहरे जख्म बन जाती है और वहाँ से वो पहचाना जाता है कि इसको बुखार इतने दिनों से और उसको जख्म भी हैं वैसे तो कहीं स्क्रब टाइफस के लिए। इससे बचना कैसे चाहिए सर? कोई बचने के लिए तो हाथ पैर ढक के रखें, नंगे पाँव ना घूमें, फिर वो कैपरी और दूसरी हाफ वाली ना पहने, शरीर को ढक के रखें और घास भूस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।